हेलो जी, क्या हेलो। बना रही हो आज? आज बन रहा है आपके लिए स्पेशली आलू का पराठा, जो कि हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। तो आप सब देखें कि कैसे बना रहे हैं हम आलू का पराठा। और मैं बॉईल आलू छील रही हूँ आपके सामने, ये देखो मैं छील के रख रही हूँ। तो अभी पहले आलू छीलेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें ऐड करेंगे हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आप भी सेम मेरी तरह पराठा बनाएं, आप फिर आपको टेस्ट आ जाएगा खाने में बढ़िया वाला। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ हम बना रहे हैं आलू का पराठा, जो कि आप सब भी मेरे साथ बनाएं। देखो हमारे आलू छिल चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें फोड़ना शुरू करूँगी। क्योंकि अगर हम आलू को, गरम आलू को फोड़ते हैं तो वो पिट्ठी ना जो हम बनाते हैं परोठे में भरने के लिए, वो हो जाती है पतली। तो इसीलिए आप गरम गरम ना फोड़ें और ना गरम गरम पराठे के अंदर भरें। तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद ही भरें तो वो अच्छा बनता है पराठा। ठीक है, अभी मैं करती हूँ इन्हें ठंडे, और उसके बाद जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो आप देखते रहना मैं किस तरीके से बना रही हूँ। जब तक ये ठंडा होता है और हम काट रहे हैं जब तक प्याज, ये देखो प्याज काटने के बाद मैं इसमें काट दूंगी हरा धनिया, दो तीन हरी मिर्चें, सब चीज़ काट के मैं तैयार रखूंगी। ये ठंडे होते ही इन्हें मिक्स करेंगे हम सारी चीज़ों को, और फिर आपको हम बताएंगे कि हम किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। आप देखना तो हम अभी काट रहे हैं धनिया, जो कि आप सब देख रहे हो ये थोड़ा गीला भी है ना, क्योंकि मैंने धुल के रखा था। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये थोड़ा सा इसमें पानी भी दिख रहा है मेरे को, तो इतने ये भी कम हो जाएगा, इतने आलू हमारे ठंडे होंगे। ये देखो मैं धनिया काट रही हूँ आपके सामने, बस ये धनिया कटने वाला है, और इसमें एक या दो हरी मिर्ची भी हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची आपके सामने ये काट दी है, छोटी छोटी काट रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। ये देखो ये काट दी है हरी मिर्ची, और अब हम आलू को धीरे धीरे देख के बीच में से मैं फोड़ने लगूँगी। मतलब पूरा अच्छे से नहीं, उसको नहीं फोड़ूंगी क्योंकि अभी गर्म है। तो देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे फोड़ देती हूँ, इतना जो अंदर से थोड़ा गर्म है वो भी ठंडा हो जाएगा, और फिर हम इसको और फोड़ेंगे आलू को। ये देखो, ये देखो, तो हमारे आलू फूट चुके हैं जैसे मैं आपको फोड़ के दिखा रही थी। और ये है हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज, तो मैं अभी इसी में मिक्स करूँगी मैं सबको। ये देखो ये कर दिया है मैंने अच्छे से, डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, ये देखो डाल दिया है मैंने, और ज़्यादा तीखे नहीं बनाने हैं। तो और ये है धनिया पाउडर, और ये है अजवाइन, मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ परोठे में, प्लेन परोठे में भी हम लोग अजवाइन ज़रूर डालते हैं। और अभी डलेगा इसमें हींग, ये डाल दिया मैंने हींग आपके सामने, और अब मैं डालूंगी इसमें लास्ट नमक, ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक आपके सामने। और अब मैं करूंगी इसको मिक्स हाथों से ही, ये देखो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तभी पराठे में टेस्ट आएगा। अगर हम उसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं नमक लगेगा तो कहीं मिर्चें लगेंगी, तो इसीलिए उसको आप अच्छे से मिक्स करें। ये देखो आलू की पिट्ठी बनके परोठे में भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसे कर लेते हैं पीछे, और मैं रखती हूँ तवा ताकि हम पराठे बनाएं फटाफट से और वो सीख जाए जल्दी जल्दी, इसलिए मैं तवा रख चुकी हूँ आपके सामने। और ये मैंने
और केसरी खोल लिया है रोटी रखने के लिए। तो अभी हम इसमें बनाना शुरू करेंगे कि पराठा बनेगा कैसा हमारा। ये ले लिया है मैंने आटा, ये ले लिया है आटा, और ये देखो मैंने कर दिया है मिक्स। और बड़ी सी पूड़ी बनाने वाली हूँ मैं। पेड़ा हमने बना लिया है और अब मैं इसको बेलना शुरू कर दिया है मैंने। और अभी मैं एक बार और इसमें हल्का सा आटा लगा लिया है, ये देखो। और अब मैं रखूंगी इसमें आलू आपके सामने, ये देखो। ये रख दिया है मैंने आलू, और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये देखो सबके तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं बंद करने के। तो अभी देखना मैं इसको बहुत धीरे धीरे बेलूँगी। ये लगा दिया है मैंने खुश्की में, और अब आप देखना ये रख लिया है मैंने, और अब मैं धीरे धीरे से बेल रही हूँ आपके सामने। ये देखो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बेलना मेरा, क्योंकि कहीं से फटा नहीं है। और ये डाल दिया है मैंने तवे पर, तो मैंने डीम कर दिया है गैस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था तवा। अभी हम इतने ये थोड़ा सिकता है, तो हम एक और पराठा थोड़ा ले लेते हैं बनाने के लिए धीरे धीरे। रुक जाओ, ये देखो हमारा पराठा एक साइड से हो चुका है और मैंने पलट भी दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल, देखो हम लोग रिफाइंड तेल लगाते हैं पराठे में। ये देखो मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ पराठे में तेल। ये देखो एक साइड में अच्छे से लग गया है, और अब मैं इसको पलट दूंगी। देखो दूसरे साइड से भी मैंने पलट दिया है, और मैंने लगा दी इसमें तेल। तो इसको मैं धीमी आंच में बहुत करारा करके सेकने वाली हूँ, तो आप सब देखना। देखो और अब मैं इसको पलट दूंगी, ठीक है। और ये अच्छे से सिक जाएगा अभी। जैसा आप देख रहे हो धीरे धीरे फूल भी रहा है वो। ये देखो जितना वो सीखेगा धीमी आंच में उतना ही वो फूलता जाएगा। अभी मैं दूसरे साइड से फिर से पलट रही हूँ। ये देखो वो धीरे धीमी आंच में खूब सेक रही हूँ मैं उसको अच्छे से। और अभी दूसरे साइड से भी पलट दूंगी। ये देखो यहाँ से इधर से थोड़ा सा सिका नहीं है अभी पराठा। ये देखो आपको पसंद भी आ रहा होगा मैंने कितने अच्छे से और धीमी आंच में मैं धीरे धीरे सेक रही हूँ। और जितना ये धीमी आंच में सीखेगा उतना ज़्यादा करारा और बेस्ट पराठा बनेगा आपका। तो आप मेरी तरह ही ट्राई करें। जैसा आपने देखा कि मैंने क्या डाला है, पहले मैंने आलू बॉईल किए हैं, उनको अच्छे से ठंडे होने दिया है, आपके सामने फोड़ा है, फिर बहुत अच्छे से महीन करके छोटा छोटा फोड़ दिया है अच्छे तरीके से। फिर मैंने उसमें डाला है हरी मिर्ची, धनिया और
प्याज डाले थे आपके सामने डाले थे मैंने, फिर डाला है मैंने उसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन डाला है, हींग डाला है और मैंने डाला है इसमें नमक, और फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने पराठा भरा है। ये देखो आपके सामने मेरा पराठा एकदम तैयार है। आप भी इस तरीके से पराठा बनाएं तो आपको भी टेस्ट आ जाएगा। तो आपको चेक करना है तो बताएं, चलो आपको टेस्ट भी कराती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद को मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि आलू के पराठे मेरे फेवरेट हैं। सारे पराठे में से सबसे फेवरेट मेरा आलू का पराठा है। हाँ मज़ा आ गया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखो अभी आप खा के भी देखो, यम्मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। जैसे मैंने आपको रेसिपी दी है, आपने किस तरीके से बनाना है तो आप भी ऐसे ही ट्राई करो और कोशिश करो रेड मिर्ची बहुत कम डालो, हरी मिर्ची आप ज़्यादा ऐड करो, क्योंकि हरी मिर्ची आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो इसीलिए कोशिश करो लाल मिर्ची थोड़ी कम डालने के लिए। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। मेरा वीडियो खुद भी देखो और औरों को भी दिखाओ और मेरे जैसे पराठे बनाओ, ठीक है। तो अब आपको मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपना भी ध्यान रखो और घर वालों का भी ध्यान रखो, ठीक है।